हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार। जहां आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है एक कोड लिख सकते हैं जिससे कि आप जो अपने सर्वर पे जो डाटा को मतलब अपने सर्वर पे जो किसी भी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई टाइम को वेस्ट किए करते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको ब्राउजर खोल कर दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का वेब पेज है, ठीक है। यहाँ पर सपोज करिए, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और कोई भी एक सपोज करिए मैंने uninstall.exe करके जो फाइल मैं उसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे .exe मतलब uninstall.exe लिखा हुआ आ गया। अपलोड करूँगा तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा फाइल को सर्च कर दिखा रहा हूँ, तो ये लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1.jpg लिखा, मतलब जो फाइल हम लोग क्लिक करें वो फाइल लिखा हुआ आ जा रहा है। यहाँ पे हम लोग जो कस्टम जो होता है ना, कस्टम वाला हम लोग फाइल इनपुट कर दिए यहाँ पे। तो ये सब मैंने कैसे किया वो सभी भी आज आपको वीडियो में पता चल जाएगा। वैसे सच बोलूँ तो किसी को इंटरेस्ट होता ही नहीं कि मैं कोडिंग लिखूं या ना लिखूं। सब जाते हैं सीधा से डिस्क्रिप्शन से जाकर कोड डाउनलोड कर लेते हैं, कोई वीडियो तक को सब्सक्राइब नहीं करता ना कि वीडियो को लाइक करता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं। उसके पहले वीडियो बनाने के पहले मुझे रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा कोड सबको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा प्लीज़ मत करिए, चैनल पर जाइए, पहले चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। 133 सब्सक्राइब हुए हैं अभी तक, तो यहाँ पे 133 सब्सक्राइब ही है मेरे अभी। आप लोग जो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बंद करते हैं इसे, चलते हैं कोडिंग की तरफ। तो वैसे मैं आज आपको UI बना के बिल्कुल नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आज बेसिक में फोकस करूँगा PHP के ऊपर, मतलब बैकएंड के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक आइडिया मैंने किया क्या। दोस्तों मैंने किया कि मैंने फॉर्म लिया, ठीक है। फॉर्म में मैंने मेथड जो है पोस्ट कर दिया, एक्शन दे दिया किस पेज में मुझे डाटा को भेजना है। पर ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इंक टाइप मल्टीपाइड फॉर्म डाटा, ये आपको लिखना ही लिखना है अगर आप कोई भी फाइल को अपलोड कर रहे हैं सर्वर पे, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल किया, फाइल का एक नाम दे दिया फाइल नाम का, और इसे क्लास दे दिया ताकि इसे स्टाइल कर सकूँ। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप फाइल दिया, ठीक है। इनपुट टाइप फाइल देने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए मैंने इसका विड्थ 100% कर दिया, हाइट 100 पिक्सल कर दिया, एक कोई भी छोटा मोटा विड्थ। इसका पोजिशन एब्सोल्यूट कर दिया उसे टॉप 0, और इसे जो इसका देखिए पोजिशन को एब्सोल्यूट करके टॉप 0 किया, बैकग्राउंड को वाइट कर दिया, और ठीक है बैकग्राउंड को मैंने इसका वाइट किया पर मैंने इसका ओपासिटी नन किया। अगर मैं इसका ओपासिटी ना दे दूँ तो देखिए क्या होगा, अगर मैं इसका ओपासिटी जो है 1 कर दूँ तो देखिए ये मुझे फॉर्म जो दिख रहा है इसका मतलब क्या, मैंने इस फॉर्म के नीचे जो है इस आइकन को दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करते हैं 0, तो वो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो अपलोड वाला जो मैंने यहाँ पे फाइल का जो इमेज था उसको नीचे यहाँ पे लगाया हुआ है, कहाँ गया, ये देखिए ऊपर में एक इमेज है, ठीक है। इमेज क्योंकि उसके नीचे था इसलिए मैंने इमेज दे दिया, और इमेज को मैंने कुछ नहीं किया, इमेज सिंपल नॉर्मली है, इसे मैंने एब्सोल्यूट करके ओपासिटी 0 दे दिया ताकि वो उसके ऊपर आ जाए। जैसे हम लोग इस पे इमेज पे क्लिक करें तो हमें ऐसा लगे कि हम लोग जो है इस फाइल वाले इनपुट पे कर रहे हैं क्लिक। और यहाँ पर मैंने नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिया है, मतलब एक डिफ दे दिया ताकि उसमें हम लोग जो है जो भी फाइल सिलेक्ट करें वो लिखा हुआ आ जाए, और एक नीचे बटन है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है ताकि जो भी फाइल मैं सिलेक्ट करूँ उसका नाम जो है टेक्स्ट वाले बॉक्स में आ जाए, मतलब टेक्स्ट वाले डिव में शो कर, टेक्स्ट वाले डिव में आ जाए। और डिव बाय डिफॉल्ट मैंने टेक्स्ट को क्या किया था, हाइट करके रखा था, तो उसे मैंने शो करा दिया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कैसे कोड कर सकता है, कोड डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आप लोग तो वैसा ही करते हैं हमेशा, वीडियो तो देखते हैं नहीं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ PHP के लिए स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद लोकल होस्ट में पूरे का पूरे फोल्डर को डाला जाएगा। up.php नाम का था, सबसे पहले मैं m को कॉपी कर लेता हूँ एक बार क्योंकि मेरा m हमेशा से ख़राब है। बंद करते हैं इसे, और सबसे पहला काम हमें डालना है पाथ, मतलब किस पाथ पे हमें डाटा को जो है मतलब किस फोल्डर में। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम लोग किसी भी फाइल को अपलोड करते हैं तो हम लोग उसे डाटाबेस में अपलोड बिल्कुल भी नहीं करते। डाटाबेस में शायद से एक ब्लॉब करके एक डाटा टाइप होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग चाहे तो अपलोड कर सकते, उस पर हम लोग चाहे तो अपलोड कर सकते, पर हम लोग कभी नहीं करते ऐसा क्योंकि हम लोग को डाटाबेस का जो साइज़ है उसे बढ़ाना नहीं देता। हम लोग हमेशा डाटाबेस को सोचते कि कम से कम साइज़ में रखें। तो हम लोग क्या कर सकते, हम लोग क्या करते हैं डाटाबेस में जो है हम लोग सिर्फ फाइल का नाम भेजते हैं, बाकी जो हमारा फाइल है चाहे वो इमेज फाइल है, PDF फाइल या कोई भी फाइल है, उसे हम लोग एक सर्वर में भेजते हैं, एक फोल्डर में भेजते हैं, ठीक है। यहाँ मैं किस फोल्डर में भेजना चाहता हूँ वो लिख देता हूँ। तो करने से पहले मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाना चाहूँगा, क्यू नाम का एक फोल्डर बना दिया जो कि मुझे कीबोर्ड में क्यू सबसे पहले दिखा। तो क्यू नाम का फोल्डर बनाया, एक बैक स्लैश दिया और एक कोटेशन, शायद इससे ये कोटेशन ही सॉरी कोटेशन नहीं सेमी कॉलन है या कॉलन है मुझे नाम याद नहीं रहता, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर आपको लाइन नीचे में लिखना है spath.basename। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोड है ये पूरा का पूरा एकदम रट्टा मारने वाला कोड है, तो आप इसे रट ही लीजिए।
फाइल्स, उसके बाद यहाँ लिखना है फाइल का नाम। तो मैं किस नाम से फाइल को ले आ रहा हूँ, तो मैं फाइल को ला रहा हूँ नेम नाम से। अगर आप देखेंगे तो फाइल का नाम मेरा नेम है फाइल। जब मैं दूंगा फाइल और उसके बाद दूंगा मैं फाइल का नेम, क्योंकि क्या नेम है मुझे वो जानना है। तो ये हमारा जो है ये फ्लोट करते रहेगा, मतलब ये जो चेंज होते रहेगा, पर ये हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। अब नीचे लाइन में लिखेंगे हम टेक्स्ट को। अब मुझे करना है यहाँ पे फाइल का पाथ, मतलब फाइल का एक्चुअल पाथ क्या है। तो दोस्तों फाइल का जो पाथ है वो यही है, base name as files file same, ठीक है। तो इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं नीचे, कॉपी करके पेस्ट किया। अब मुझे क्या जान, अब मुझे जानना है कि ये जो मैं फाइल डाला हूँ वो किस फॉर्मेट का है, क्योंकि हो सकता है कि हमें इमेज की ज़रूरत हो, यूज़र जो है PDF डाल दे या वीडियो डाल दे, तो उसके लिए मैं चेक करूँगा। चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सटेंशन नाम का एक वेरिएबल बनाया ext करके। अब यहाँ पे मैं थोड़ा ट्रिक लगाऊंगा। ट्रिक क्या, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा एंड और उसके अंदर लिखूंगा एक्सप्लोड, और इसके अंदर लिखूंगा पहले डॉट कॉमा और एस फाइल फाइल पाथ। तो अभी आप पूछेगा मैंने ये क्या लाइन लिखा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक्सप्लोड किया। एक्सप्लोड क्या है, एक मेथड है एक्सप्लोड। तो दोस्तों यहाँ पे सपोज करिए, ये आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। फाइल नेम में मेरा आ गया, फाइल नेम में आया, सपोज करिए फाइल नेम है, ठीक है। फाइल नेम में मैंने एक इमेज डाला है img.png करके, ठीक है। तो img.png में क्या है कि मुझे पता चल रहा है कि हाँ भाई ये एक इमेज है। अगर यहाँ पे PDF डाल दूँ तो मुझे पता चलेगा कि एक PDF फॉर्मेट वाला फाइल है। तो मैंने क्या किया, एक्सप्लोड फंक्शन का यूज़ किया। फाइल नेम मतलब ये i.pdf सपोज करिए यहाँ है, और इसे क्या मैंने तोड़ दिया, मतलब मैंने उस जगह जगह से तोड़ा जहाँ पे डॉट आ रहा है, ठीक है। डॉट तोड़ के मैंने इसे एक एरे बना दिया। और एंड से मैंने क्या किया, एंड से मैंने देखा कि देखो भाई सबसे लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है। तो सबसे लास्ट में अगर एरे बनेगा तो एक वर्ड आएगा i का और एक वर्ड आएगा PDF का। i आएगा पहले और PDF आएगा सेकेंड में। तो मैंने एंड से जाकर PDF को उठा लिया। अब मुझे पता चल गया कि भाई मेरी ये PDF फाइल है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा कोड था। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक और काम करूँगा। अब मैं जो है इस फाइल को रीनेम करूँगा। पहले रीनेम इसलिए क्योंकि डाटाबेस में अगर दो फाइल एक ही नाम से आ गया तो डाटाबेस जो पहले वाले फाइल को ये ओवरराइट कर देगा। तो यहाँ पे मैं फाइल नेम लिखूँगा। फाइल नेम यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दीजिएगा, मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डालूँगा यूनिकनेस के लिए टाइम, ये PHP का इनबिल्ट फंक्शन है टाइम। अब यहाँ डॉट डाल के एक कॉमा डालेंगे, ये कॉमा ताकि मेरा एक्सटेंशन पता चले इससे, ताकि मैं एक्सटेंशन में हमेशा कॉमा होता है इसलिए मैं एक्सटेंशन में हमेशा डॉट होता है इसलिए मैं यहाँ पर डॉट लगा दिया हूँ। अब यहाँ पे फिर डाल के यहाँ लिखेंगे एक्सटेंशन कर दिए इसे बंद। हमारे पास फाइल भी आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा मैं जाऊँगा थोड़ा, अब मैं चेक करूँगा कि यूज़र क्या अपलोड करना चाह रहा है, मतलब कंडीशन लगाऊंगा। अगर कंडीशन सक्सेसफुल हुआ तो ही अपलोड कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे। इफ इन एरे एक्सटेंशन, तो हमारा एक्सटेंशन जो है वो किस एरे में होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले एक एरे बनाते हैं, ARR करके एरे बनाया, और इसके अंदर लिखते हैं एरे। और यहाँ पे मैं सिंपली कुछ वैल्यू पास करूँगा। वैल्यू क्या है, मेरा कितना इमेज का फॉर्मेट हो सकता है, तो इमेज का कौन कौन सा फॉर्मेट होता है तो वो आप अपने हिसाब से टाइप कर दीजिएगा। PNG हो सकता है, JPG हो सकता है, या फिर और क्या क्या हो सकता है, JPEG हो सकता है, BMP हो सकता है, ऐसे बहुत है। आप नेट पर सर्च करके जब आप एक्चुअल प्रोग्राम बनाएंगे तो आप थोड़ा नेट पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बंद किया। और यहाँ पे मुझे जानना है कि किस एरे में EXT होना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई देखो ARR करके एक एरे है, उसमें अगर EXT है कि नहीं वो तरह देख लो। तो मैंने ARR क्लिक किया, बस काम ख़त्म। अगर है तो पहले इको कराऊंगा, भाई ठीक है हो गया है काम, हाय ठीक है। अगर नहीं हुआ एल्स तो सो तुम मुझे, मैं उसको बोलूँगा कि भाई देखो तुमने जो फाइल डाला है वो दूसरे फॉर्मेट का है, फाइल is invalid। अब लोकल होस्ट पे जाकर थोड़ा चेक कर लेते कि काम कर रहा है कि नहीं। तो इसे और इसे भी क्लोज करते हैं। इस सभी को कॉपी किया, गया जैम्प में हॉट डॉक्स, YT नाम का फोल्डर पहले से है, सबको डिलीट कर देते हैं, कोई जरूरत है नहीं इन सभी का। और आ गया, अब मैं ब्राउज़र खोल के यहाँ डालूँगा
लोकल होस्ट YT, तो यहाँ पे test.html करके फाइल था, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, कोई PNG फाइल, कोई भी फाइल जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, logo.jpg है अपलोड। तो यहाँ पे देखिए ओनली वेरिएबल शुड बी पास बाय रेफरेंस लाइन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पहला लाइन 5 पे जो प्रॉब्लम है वो कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वो हमेशा होते ही रहेगा, ये बहुत बार मेरे साथ हो चुका है। तो ये दूसरा जो लाइन है आइडेंटिफाइड वेरिएबल एक्सटेंसन, आइडेंटिफाइड वेरिएबल, तो यहाँ पे एक्सटेंसन नहीं देना था, मैंने बंद कर दिया है। एक्सटेंसन यहाँ पे एक्सटेंसन EXT होगा, ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरा शायद कुछ काम नहीं, तो यहाँ पे देखिए हाई लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। बैक करते हैं, यहाँ करते हैं इसको, और यहाँ पे कोई इनवैलिड फाइल देते हैं, रिक्यूवा करके ये शॉर्टकट फाइल है, EXE है, इसे नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इंस्टॉल अपलोड, तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है फाइल इज़ इनवैलिड, मतलब मेरा काम कर रहा है। ये पहले लाइन का मैंने पहले ही बोल दिया, आपको इस पहले लाइन पे ज़रा भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये पहला लाइन होता ही रहेगा, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मैंने ध्यान देना ही छोड़ दिया इस पर। अब मैं सीधा क्या करूँगा, अब मैं अगर मेरा ये हो जाए काम, तो मैं क्या करूँगा, इसको फाइल को मूव करा दूँगा, मूव कराऊँगा इस क्यूब वाले फोल्डर में। मूव कराने के लिए मेरे पास सिंपली एक फंक्शन है PHP के अंदर, मूव अपलोडेड फाइल, मूव अपलोडेड फाइल का नाम होना चाहिए क्या, फाइल का नाम होना चाहिए एस फाइल्स, एस फाइल्स, उसके बाद फाइल्स का नाम, फाइल का नाम ये है। अब यहाँ पे मुझे डालना है टेम्पररी फाइल, यहाँ पे गलती कर दिया, फाइल छोटा हाथ में होगा, टेम्पररी नेम, अब दूसरा पैरामीटर मुझे जाना है किस जगह पे मुझे अपलोड करना है और किस नाम से। तो मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ क्यू वाले फोल्डर में गए, डॉट डालने के बाद किस नाम से अपलोड करना है, ये इस नाम से, एफ फाइल्स के नाम से, कॉपी किए गए सीधा यहाँ पर डाल दिए, काम ख़त्म अपना। ये होगा यहाँ होगा ये, और यहाँ होगा ये, देखते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं, अगर स्क्रिप्ट काम करवा तो बहुत अच्छा, नहीं तो मुझे फिर से कुछ करना होगा काम। तो किए रिफ्रेश, गए इस पर क्लिक किए, डेस्कटॉप कोई भी एक इमेज चूज करते हैं, 1.jpg अपलोड। अब मैं फोल्डर खोलूँगा, देखते हैं काश की फोल्डर में आ गया, पर यहाँ नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो दोस्तों यहाँ घंटों की मशक्कत के बाद मुझे ये पता चला कि मैंने गलती क्या किया था, यहाँ जो क्यू के बाद मैं स्लैश देना ही भूल गया था, जो कि छोटी सी चीज़ के लिए मुझे इतना परेशान होना पड़ा। तो कोई बात नहीं, अभी कोड को सीधा रन करके देखते हैं, पर यहाँ इस रन करने से पहले मैं यहाँ पे एक और कंडीशन देना चाहूँगा, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मुझे मैसेज चाहिए कि भाई तुम्हारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, इको सक्सेसफुल अपलोड, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर लीजिएगा इस मैसेज को। अगर नहीं होता है तो मैं सीधा बोलूँगा भाई देखो इसको एक एरर मैसेज प्रिंट करा दो और लिखो कि भाई फेल हो गया अपलोड होने में। यहाँ पे डाटाबेस में भेजने के लिए सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डाटाबेस में भेजने के लिए सिंपली आपको बताता हूँ क्या लिखना है, कौन क्वेरी QUERY कौन क्वेरी और यहाँ SQL, ठीक है, ये तीन वर्ड आपको लिखना है, बस आपका जो अपलोड हो जाएगा। कौन में कौन एक वेरिएबल, तो वेरिएबल में जो हमेशा आपको कुछ पास करना ही पड़ता है, तो कौन मतलब कनेक्शन, यहाँ पे तो कनेक्शन आप बना ही लोगे, कनेक्शन का जो होता है न्यू MySQL, फिर लोकल होस्ट रूट करके जो होता है वो सब डाल दीजिएगा, और SQL में सीधा अपना SQL का जो कमांड उसे डाल दीजिएगा, SQL कमांड में फाइल का नाम होगा वो ये होगा फाइल नेम, ठीक है। तो आप करके अपलोड कर सकते हैं बढ़िया आसानी से। तो मैं इस लाइन को हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इसका काम नहीं है। तो जितना भी आपको डाटाबेस वाला काम है वो आपको इस जगह पर पेस्ट करना है। यहाँ पे देखिए मैंने ये दे दिया है, इसके अंदर आप डाटाबेस वाला सारा लाइन लिख दीजिएगा, काम ख़त्म आपका। करते हैं कोड को रन, गए बैक, पेज को किया रिफ्रेश, इसको किया क्लिक, पहले कोई इनवैलिड फाइल चूज़ करूँगा, इसे चूज़ करते हैं qr.exe अपलोड,
फाइल इज़ इनवैलिड, ठीक। तो यहाँ पे गए इस पर, चूज़ करते हैं कोई इमेज फाइल। अगर मैं डॉट पीएनजी करूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे एरर देगा, फाइल इज़ इनवैलिड। अभी आप लोग ऐसा क्यों हो रहा है, इमेज तो ये एक इमेज फाइल है। इमेज फाइल पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने देखिए बड़ा लेटर में कोई पीएनजी नहीं लिखा, इसलिए ऐसा आ रहा था, मैं उसे अभी चेंज नहीं करने वाला। आप एक काम कर सकते हैं, आप जितना भी सब करें उसको जो है आप, अब जितना भी आपका एक्सटेंशन उसे आप छोटा हाथ में कर लीजिएगा, पहले पीएचपी में पहले से ऐसा फंक्शन सब है। तो कोई वैलिड इमेज चूज़ कर लेते हैं अभी के लिए, 1.jpg ऐसे मैंने इसे अभी अपलोड किया था। अपलोड पे क्लिक किया, सक्सेसफुल अपलोड। तो यहाँ फोल्डर में जाऊँगा, दो इमेज है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए सबका फाइल, सबका जो नाम है यूनिक आ रहा है। सबसे पहले ओमकार झा करके आ रहा है, फिर एक नंबर आ रहा है, ये नंबर वही है जो कि टाइम में मैंने यूज़ किया था। और यहाँ .jpg, एक और फाइल अपलोड करके ट्राई दिखा देता हूँ आप लोग को। अपलोड पे क्लिक किए, कोई एक वैलिड फाइल चूज़ करते हैं, सब PNG। तो यहाँ पे देखिए ap.jpg करके फाइल है, ap.jpg अपलोड, फाइल अपलोड सक्सेसफुल, AP यहाँ पे आ गया कम्प्लीटली, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो हम लोग कस्टम इको दे रहे हैं ना, उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज़ करिएगा, जावास्क्रिप्ट में आप लोग अलर्ट डाल दीजिएगा, और अलर्ट पे क्लिक होने के बाद जो है आप लोग उसको दूसरे पेज में डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि यूज़र नहीं चाहता कि उसे बार बार क्लिक करना पड़े कहीं पर रिडायरेक्ट होने के लिए। तो आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे, मुझे पता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी के अभी वीडियो लाइक करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और मुझे नीचे कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पर चाहिए ताकि मैं उसे बना सकूँ। तो तब के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।